दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वशीकरण का शक्तिशाली टोटका जिसे करोड़ों लाखों लोगों ने आजमाया है और सबका काम हुआ है। दोस्तों ये टोटका कभी भी खाली नहीं जाता है, तो आपसे भी ये विनती है हाथ जोड़कर कि आप इसे किसी भी गलत काम के लिए इस्तेमाल ना करें। और अगर आपके मन में कोई अच्छी भावना है, आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, तो आप इसे जरूर आजमाएं, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिससे आप जिसे भी अपने वश में करना चाहते हैं वो सिर्फ एक रात में आपके वश में हो जाएंगे। अगर आप किसी लड़की को वश में करना चाहते हैं या किसी पुरुष को अपने वश में करना चाहते हैं, ये हर एक पर अच्छे तरीके से काम करता है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक नींबू की, जैसे कि मैंने एक नींबू लिया है यहाँ पे पीले रंग का, और आपको चाहिए होगा सिंदूर। इस तरह से एक कागज में सिंदूर ले लीजिए, और इसके लिए हमें चाहिए होगी एक सुई ले लीजिए, और मैंने यहाँ पर एक लाल रंग का मार्कर लिया है। आपके पास अगर मार्कर ना हो तो आप लाल रंग का पेन ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस नींबू पर अपना नाम लिखना है और जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं उनका नाम लिखना है। मान लीजिए कि अगर आपका नाम है रमेश, तो नींबू पर इस तरह से आप रमेश लिख लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रमेश लिखा है। अब इसके ठीक उल्टे साइड में यानी कि इधर आपको लिखना है लड़की का नाम। लड़की का नाम मान लीजिए अगर सविता है, हम सविता को अपने वश में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सविता। इस तरह से मैंने सविता लिख दिया और इधर मैंने रमेश लिख दिया। अब आपको इन दोनों के ठीक बीच में यहाँ पर लिखना है, एक प्लस का साइन लगाना है। यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और साथ ही साथ आप इधर की तरफ यानी कि सविता और रमेश जहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर भी एक प्लस का साइन बना देंगे। अब ये आपका नींबू जिसपे आपने नाम लिख दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक स्वास्तिक का निशान बनाना है, देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको इस तरह से स्वास्तिक का निशान बना लेना है। लाल पेन की सहायता से ही आप स्वास्तिक का निशान एक इधर बना लीजिए और ठीक उल्टे साइड में यहाँ पर एक स्वास्तिक का निशान आपको इधर भी बनाना है। ये आपका नींबू बनके तैयार है, जो आप जिससे कि आप किसी को भी अपने वश में कर पाएंगे। अब आपको इसके ऊपर सिंदूर लगाना है, तो सबसे पहले जहां पर आपने लड़की का नाम लिखा था वहां पर आप सिंदूर इस तरह से लगा दीजिए, और इसी तरीके से आपको रमेश के ऊपर भी सिंदूर लगा देना है। तो दोस्तों ये हो गया आपका। इसके अलावा आपको अब क्या करना है, आप किसी ऐसी जगह पर बैठिए जहां पर आपको कोई भी परेशान या डिस्टर्ब ना करे, और आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है 108 बार। दोस्तों मंत्र ध्यान से सुनिए, गलत मंत्र का उच्चारण मत कीजिएगा, सही मंत्र बोलेंगे तभी ये उपाय काम करता है। मंत्र है ओम चामुंडाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, पहली लाइन है। दूसरी लाइन है ओम सविता, जो कि हमने नाम लिखा है, ओम सविता वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र है दो लाइनों का, जो आपको 108 बार इसका उच्चारण करना है। उसके बाद दोस्तों इसे आप किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए। तो दोस्तों इस मंत्र का जब आप पूरी तरह से उच्चारण करेंगे 108 बार, उसके बाद आपको ये जैसे कि मैंने बताया था कि सुई का इस्तेमाल करना है, तो जहां पर आपने सविता लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सविता लिखा है, तो सविता के बिल्कुल बीच में आपको इस सुई को नींबू के अंदर डाल देना है। इस तरह से इसे डालेंगे और मंत्र करते करते ही आपको इसे अपने हाथ में रखना है। आप इसे सीधे हाथ में रखिए और मंत्र का उच्चारण करते रहिए। जब आप 108 बार मंत्र कर चुके होंगे, उसके बाद आप इस सुई को इसमें से निकालिए और इसे ठीक इसके अपोजिट में, यानी कि अगर आपने यहाँ पर इसे डाला था तो इसके ठीक अपोजिट में यहाँ पर जहाँ पे कि आपका नाम लिखा हुआ है वहां पर भी आपको इस सुई को ऐसे डाल देना है। और जब आपका मंत्र पूरा 108 बार पूरा हो जाए तो आप इसे रख दीजिए। आपको सुबह उठते ही सबसे पहले जब आप घर से बाहर निकले नहा धोकर जाना है और बहते हुए पानी में इसको प्रवाहित कर देना है। उस समय आपको इस मंत्र का जाप 21 बार दोबारा करना होगा। जो मंत्र मैंने आपको बताया, ओम चामुंडाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, ओम सविता वश्यम कुरु कुरु स्वाहा,
इस मंत्र को 21 बार पढ़ते हुए इस नींबू को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और एक बात और ध्यान रखें दोस्तों कि जब आप वहां से वापस आ रहे हों तो पीछे मुड़ के ना देखें। रास्ते में अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान मिले जो आपको जानता है तब भी आप उससे बात ना करें, सीधा अपने घर पर आएं और उसके बाद अपने हाथ पैर अच्छे से धो लें। इस तरह से दोस्तों सिर्फ एक ही रात में यानी कि 24 घंटे में आप किसी को भी अपने वश में कर पाएंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही समय के बाद आपके पास उस लड़की का फोन आएगा या फिर वो आपसे मिलने के लिए आतुर हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो था उपाय आज हमने जो आपको बताया, इसका आप उपयोग करके देखिए। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, शक्तिशाली टोटका है जो मैंने आपको बताया, इसको बहुत सारे लोगों ने आजमाया है और सबको इसका लाभ मिला है। तो आप भी इसे कीजिए और हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए कि आपको इसका कितना फायदा हुआ।